फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट द चैप्टर 4, दैट इज अबाउट मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी मार्केट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मनी मार्केट इन द फाइनेंशियल सिस्टम. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बैंक हमारे हैं उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में, ठीक. तो जो सेंट्रल बैंक है हमारा, जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका रोल क्या है और कैसे वो इकोनॉमी को देश की कंट्रोल करता है, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वेरियस गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज है रिजर्व बैंक इंडिया की, उसके द्वारा मनी क्रिएट भी कर सकती है मार्केट में, और अगर मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा है तो उसको भी कंट्रोल करती है. कैसे करती है? बाय द वे ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है. तो यहाँ जो मनी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो मनी मार्केट का क्या काम होता है, यहाँ पर बैंक्स की लिक्विडिटी को मैनेज करता है और क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है. मनी मार्केट मतलब आप समझ लीजिए पैसे का मार्केट है एक तरह से ये, ठीक है. इसके जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, व्हाट एवर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट, उसके द्वारा क्या कर सकता है बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मार्केट में मनी की सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है. इसीलिए मनी मार्केट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो क्या लिखा है, व्हाट इज दैट, मनी मार्केट प्लेज अ की रोल इन बैंक्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी कब इफेक्टिव रहेगी, जब हमारा इफेक्टिव मनी मार्केट रहेगा, जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के वो इफेक्टिव होंगे और अच्छे से एज पर द सिस्टम, एज पर द पॉलिसीज दे विल वर्क, ठीक है. नेक्स्ट, इन द नॉर्मल टाइम्स मनी मार्केट आर अमंग द मोस्ट लिक्विड इन द फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है. फाइनेंशियल सेक्टर जो भी है किसी कंट्री का, उसमें क्या कहते हैं, हम मोस्ट लिक्विड फॉर्म में मनी मार्केट ही कहा जाता है. मतलब आप समझ लीजिए कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, व्हाटएवर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, दे आर कैसे उनको समझा जाता है, जैसे कि हमारी वो मनी है, कैश है, ठीक है. दे आर सीम टू बी एज इक्विवेलेंट एज द मनी, ठीक. तो वो हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हम लोग समझते हैं मोस्ट लिक्विड फॉर्म में, इसलिए मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को माना जाता है, मनी मार्केट को माना जाता है, ठीक. अच्छा, ये क्या करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग, कैसे करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स एंड पार्टनर्स फॉर लिक्विडिटी ट्रेडिंग, द मनी मार्केट अलाउज द रीफाइनेंसिंग ऑफ शॉर्ट एंड मीडियम टर्म पोजिशंस एंड फैसिलिटेट द मिटिगेशन ऑफ योर बिजनेस लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है. जो भी लिक्विडिटी रिस्क आ सकता है मार्केट में, उसको हम लोग मनी मार्केट के द्वारा या उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके द्वारा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है. उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक द इंस्ट्रूमेंट्स इफेक्टिव. द बैंकिंग सिस्टम एंड द मनी मार्केट रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेट्स इन, यही वो बता रहे हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा और मनी मार्केट है उसमें क्या है, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से ऑपरेट करना चाहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए आरबीआई ने बनाई है, क्या उसका बेसिक फंडा है, ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी बोलते हैं गाइडलाइंस हैं, जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, जो भी है वो क्या करता है, मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करता है, ठीक. तो वही इसमें हम बता रहे हैं कि मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उससे हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव रहेगी, और जिस मार्केट में वो मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेट कर रही है वो क्या बन जाएगा, इफेक्टिव बन जाएगा, ठीक. क्योंकि जो हमारे मनी मार्केट है ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट अगर जो भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उस मार्केट में वो वर्क कर रही हैं, अगर वो आपस में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का जो भी परचेज या सेल करने के बाद अपनी लिक्विडिटी रिस्क को क्या कर सकती हैं, मिटिगेट भी कर सकती हैं. कैसे होगा वो, ये हम आगे देख रहे हैं, ठीक है. तो मनी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, ठीक. ये हम लोग मान ले, पहले समझ लें यहाँ पर अच्छे से कि मनी मार्केट इज कॉल्ड द, ये क्या कहलाता है, इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, ठीक है. शॉर्ट टर्म इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सारे इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, ये शॉर्ट टर्म फंड को हमारे क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट जो भी है शॉर्ट टर्म फंड की उसको फुलफिल करते हैं, ठीक. जैसे हमने देखा या हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, मेनली डेट इज फॉर द लॉन्ग टर्म फंड, एंड ये जो भी हमारी रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म की रहेगी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट की रहेगी, वो हमारा मनी मार्केट से
पूरा हो सकता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। ठीक है, जो भी है वो क्या हो जाएगा, एक एक साल से कम करेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म की ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहा है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म क्या रहेगा, 1 ईयर या अप टू 1 ईयर तक वो जनरली रहते हैं। ठीक, द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर ओवरनाइट कॉल एंड ट्रम मनी बिटवीन बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड रिपो ट्रांजेक्शन। ठीक, ओवरनाइट कॉल कॉल एंड टर्म मनी रहता है इसका क्या, कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट एंड टर्म मनी मार्केट, ये 3 मार्केट हो गए, एक रिपो भी हो गया। अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी आर वेरी शॉर्ट टर्म मनी मार्केट प्रोडक्ट्स। ये क्या है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। इसमें हम अगर देख सकते हैं कि कॉल मनी अगर हम देखते हैं तो जनरली वो क्या रहता है, 1 डे के लिए हमारा रहता है। ठीक, कॉल मनी क्या रहेगा, कॉल मनी जो है 1 डे के लिए रहेगा, इसको ओवरनाइट मनी भी कहते हैं। ठीक, ओवरनाइट मनी, जैसे कि कोई बैंक है, अगर हमारा रिक्वायरमेंट किसी उसकी CRR या SLR की पूरी नहीं हो रही है, तो जनरली क्या वो करता है, दूसरे बैंक से ओवरनाइट के लिए फंड को क्या करता है, बोरो कर लेता है एट ए लो कॉस्ट, मतलब कम कॉस्ट पर वो दूसरे बैंक से क्या कर सकता है, दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिसके पास फंड ज्यादा है उससे 1 दिन के लिए बोरो कर लेता है, उसको कॉल मनी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि 1 दिन के लिए रहेगा, कॉल मनी रहेगा। ठीक है, सेकंड हो गया नोटिस मनी। नोटिस मनी इज जनरली बिटवीन द 2 डेज एंड 14 डेज। ठीक है, 2 से 14 दिन के लिए अगर कोई मनी को बोरो कर रहा है, वो मार्केट कौन सा आ जाएगा, इसमें नोटिस मनी मार्केट आ जाएगा। ठीक, थर्ड वन इज द टर्म मनी। टर्म मनी इफ दैट मनी इज बोरोड फॉर मोर देन 14 डेज, देन वो किस में आएगा, आपका टर्म मनी में आएगा। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें, हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। ठीक है, ये हमें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसकी मार्केट जो हमारा मनी मार्केट है, इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किन लोगों के लिए बना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव करता है और मार्केट की लिक्विडिटी, जो भी बैंकिंग सिस्टम है हमारा, उसकी लिक्विडिटी रिस्क को मिटिगेट करता है। तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करेंगे, जनरली इसमें करते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हो गए हमारे। ठीक है, जो भी कॉमर्शियल बैंक है हमारे शेड्यूल्ड, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर लैंड डेवलपमेंट्स एज वेल एज प्राइमरी डीलर्स। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं वो प्राइमरी मार्केट में करेंगे, तो प्राइमरी डीलर्स भी इधर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, बोरोइंग लिमिट्स थोड़ा सा हम देख लेंगे, ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये बुक से भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसको थोड़ा मार करके आप देख सकते हैं, कई बार एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है, इसमें ज्यादा समझने का नहीं है। जैसे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है परमिटेड टू बोरो टू द एक्सटेंट ऑफ 125% ऑफ देयर कैपिटल फंड इन द कॉल ऑब्लिक नोटिस मनी मार्केट, जो भी कॉल या नोटिस मनी मार्केट है उसके कितना कर सकते हैं, कैपिटल फंड जो भी है उसमें, उसका 125% तक बोरो कर सकते हैं। ऐसे ये बोरोइंग लिमिट जो है अलग अलग है सभी मार्केट्स की। ठीक, नेक्स्ट क्या क्या है, मतलब उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मनी मार्केट के। ठीक है, मनी मार्केट के बारे में हमने बताया, अब इंस्ट्रूमेंट को जानना तो बहुत ही जरूरी है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, कैसे वो काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और इसके कितने दिन के लिए बोरो करता है, कितने दिन के लिए मिनिमम रहता है, तो ये हम जानते हैं कि इसका जो है वो मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर है जो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये 91 डेज 182 डेज, मतलब 91 डेज मिनिमम पीरियड हो गया, फिर इसके बाद जनरली क्या आ गया 182 डेज या फिर 364 डेज ट्रेजरी बिल वी कैन इशू, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इशू द ट्रेजरी बिल्स। सो ट्रेजरी बिल क्या हो गया, ट्रेजरी बिल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म डेब्ट ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल करता है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ऑल्सो अ नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इशूड इन द डीमेटरलाइज फॉर्म और ऐसे प्रोमिसरी नोट बाई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। इसमें ये डिफरेंस देख लीजिए, ट्रेजरी बिल क्या है, ट्रेजरी बिल स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है ट्रेजरी बिल, बाई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये कौन इशू करता है, जनरली ये
कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया इसमें, कॉमर्शियल बैंक कहते हैं बट एक्सक्लूडिंग आरआरबीज, जो आरआरबीज एंड लोकल एरिया बैंक्स है उनको इसकी अनुमति या परमिशन नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए, ठीक। तो इसका टेनर क्या रहता है, इसका टेनर जनरली कितने रेंज करता है, 7 days to 1 year, 7 दिन से लेके 1 साल तक का इसका टेनर रहता है, बट जनरली ये भी 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने के रूप में जो है कॉमर्शियल बैंक इशू करते हैं। कितने में इशू करते हैं, 3, 6 and 12 months, ठीक। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल पेपर। व्हाट इज कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर इज आल्सो एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये कौन करता है, इट इज अ अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट की तरह ये इशू किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने प्रोमिसरी नोट क्या है, इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी तरह से ये शॉर्ट टर्म डेब्ट के लिए इशू किया जाता है। कौन इशू करता है, कौन इसको मतलब एलिजिबल है इशू करने के लिए, तो हम देख सकते हैं कि हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स, मतलब जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स है, कॉर्पोरेट जो बिग फर्म्स हैं हमारी, बिग कॉर्पोरेट्स हैं, वो कॉमर्शियल पेपर को इशू कर सकती हैं, बट उसमें उनका क्या होगा, रेटेड जो है, जो भी उनकी, जैसे हम लोग सिबिल निकालते हैं, ऐसे जो उनकी सिबिल रेटिंग है, अदर रेटिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉमर्शियल पेपर हो गया ना, कॉमर्शियल पेपर की कुछ गाइडलाइंस भी है, कुछ उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, ठीक है। जैसे कि टेंजिबल नेटवर्क जो कंपनी की है एंड के कितनी नहीं होनी चाहिए, इन द लास्ट 3 ऑडिटेड बैलेंस शीट शुड नॉट बी लेस देन 4 crore, ठीक, 4 crore से कम उसकी नेटवर्क नहीं होनी चाहिए, ठीक, ये कंडीशन है। नाउ अभी रिपो, व्हाट इज रिपो, रिपो क्या है, रिपो, ठीक है, रिपो क्या होगा, रिपो इज ए रीपर्चेस एग्रीमेंट, इट इज एन रीपर्चेस एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन एलिजिबल काउंटर पार्टीज फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स ऑन ए कोलेटरलाइज्ड बेसिस। मतलब रीपर्चेस एग्रीमेंट है, आपने बोरो किया, आज परचेस किया ये रिपो को, और जो भी उसका टाइम पीरियड होगा, वॉट एवर द टाइम पीरियड वुड बी देयर इन द एग्रीमेंट, वो जो भी इशू कंपनी है, इशू जो कर रही है रिपो को, वो उसको रीपर्चेस कर लेगी, ठीक है, एट ए डिस्काउंट रेट। उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ना भाई, जो भी उसको परचेस कर रहा है रिपो को, तो उसके लिए क्या कहेंगे, जो एट ए डिस्काउंट रेट पे वो रिपो रीपर्चेस कर लेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो रिपो हो जाएगा। जो भी प्राइस रहेगा डेट वुड बी प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द इशू, देर वुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इट वुड बी रिटेन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है, वो जो बिकने का समय जो भी उसका है, वो कितने रुपए में वो वापस लेगी कंपनी, रीपर्चेस करेगी, वो प्राइस उसका उसी समय बताया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। व्हाट इज दैट, CBLO, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन इज ऑल्सो एन, क्या है, ये भी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटेड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL, ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। ये एक चीज ध्यान रखने की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन कि CBLO किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटिटीज हु हैव ईदर नो एक्सेस टू द इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट और हैव रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस इन द टर्म ऑफ सीलिंग ऑन कॉल बोरोइंग्स एंड लैंडिंग ट्रांजेक्शन। मतलब उन इंस्टीट्यूट्स के लिए बेसिकली ये CBLO बनाया गया है जो कॉल मनी मार्केट में नहीं जा सकते, ठीक है, या तो उनके पास इतनी, मतलब वो एलिजिबल नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इन टू द कॉल मनी मार्केट, ठीक है, या फिर क्या है, जो भी उसकी लिमिट्स है उसको एक्सीड कर रहे हैं, ठीक, तो वो काय में जा सकते हैं, CBLO में जा सकते हैं, CBLO से के द्वारा वो लोग मनी रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में तो ये हो गया कि जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं, कॉल मनी मार्केट है, नोटिस मनी मार्केट है, जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका इंटरेस्ट रेट कौन निर्धारित करेगा, जो भी इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी, दे आर फ्री टू चूज द इंटरेस्ट रेट फॉर देयर प्रोडक्ट, ठीक, अपने प्रोडक्ट जो भी है उनका, उसको उसके लिए वो फ्री है।
ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो के द्वारा कुछ भी अगर नॉलेज मिल रही है और आपको लगता है कि ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल, तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, फिक्स्ड इनकम मार्केट आ गया अभी हमारा है, इसमें क्या हो गया सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेज पब्लिक लोन एज ए नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट। ठीक है, जो भी अगर गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, ठीक, गवर्नमेंट वॉन्ट सम मनी फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ डेट, तो वो क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने प्रकार की हो गई? इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट्स, प्रोमिसरी नोट्स के रूप में हो गए, बियरर बॉन्ड्स, स्टॉक्स और बॉन्ड हेल्ड इन द बॉन्ड लेजर अकाउंट। इस फॉर्म में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स और डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो लेता है, मतलब अगर कोई पब्लिक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस करता है, ठीक, गवर्नमेंट को तो पैसा मिल जाएगा लेकिन उसको क्या बेनिफिट रहेगा वो भी हम लोग यहाँ देख लेंगे। ठीक, इसमें क्या देखा हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, यूजेस दीज फंड टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स। दीज सिक्योरिटीज आर जनरली फिक्स्ड मैच्योरिटी एंड फिक्स्ड कूपन सिक्योरिटीज कैरिंग सेमी एनुअल कूपन। जो अगर बॉन्ड रहेगा तो उसकी क्या, एक तो पहली चीज हम समझ लेंगे कि मैच्योरिटी उसकी क्या है, फिक्स रहेगी। ठीक है, फिक्स्ड कूपन सिक्योरिटीज कैरिंग सेमी एनुअल कूपन, मतलब कूपन जो इंटरेस्ट आप समझ लीजिए एक तरह से, वो उसको सेमी एनुअल हाफ अर्ली इंटरेस्ट मिलता रहेगा परचेसर को। सिंस द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज स्पेसिफाइड इन द सिक्योरिटीज, दीज आर ऑल्सो नोन एज डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। डेट, क्योंकि डेट निश्चित है उसमें, ऐसा तो नहीं अगर हम दूसरे चीज के लिए जाते हैं तो उसमें कोई ऐसी कोई डेट निश्चित नहीं रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज अगर उसमें डेट निश्चित रहती है तो उसको क्या कहते हैं, इसलिए हम डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं। किस लिए काम में आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी एक्सपेंडिचर कमिटमेंट करना है, मान लीजिए किसी देश की गवर्नमेंट है, या मतलब इंडिया में अगर वो क्या करना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है या डेवलपमेंट करना चाहती है कंट्री का, और उस पर पैसे नहीं है, ठीक है, मान लीजिए फ्लाईओवर्स बनाना चाहती है दिल्ली की सरकार, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। उसको लग जाएगा कि हाँ वो पैसा उसमें लग जाना है डेवलपमेंट में, बाद में पैसा तो उस पर आना ही है टोल टैक्स के द्वारा या अदर रेवेन्यूज के द्वारा, तो वो मनी रिटर्न हो जाएगी जो भी परचेसर होगा सिक्योरिटीज का। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट का फायदा हो गया कि उसको क्या, जो भी उसके एक्सपेंडिचर कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए सिक्योरिटीज इशू करती है। तो ये फीचर्स हो गए ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, क्या हो गए, इशूड एट फेस वैल्यू, ठीक, नो डिफॉल्ट रिस्क एज अ सिक्योरिटीज कैरिंग सुपरविजन गारंटी, मतलब आप समझिए इसमें डिफॉल्ट नहीं हुआ, जैसे और कोई भी अगर सिक्योरिटीज हम लेते हैं, इक्विटी, इवन इक्विटी लेते हैं, कोई भी है बोरोअर अगर वो कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते तो एक तरह का रिस्क तो रहता ही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोई भी पब्लिक कोई इंडिविजुअल परचेस करता है तो देर इज नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, मतलब गवर्नमेंट की गारंटी है, तो गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की हो गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती, इसलिए उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट क्या है, एम्पल लिक्विडिटी एज अ इन्वेस्टर कैन सेल द सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी मार्केट, मतलब क्या हो गया, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लिक्विडिटी ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज हाईएस्ट, क्यों, क्योंकि वो रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री है तो एनीबडी कैन इजीली सेल डेट सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी मार्केट, मतलब समझ लीजिए आज अगर मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, ठीक है, उसमें रिस्क नहीं है और कल मुझे पैसे की जरूरत है, तो आई कैन सेल दिस इनटू द सेकेंडरी मार्केट और एनीबडी विल बी रेडी टू परचेज इट। जैसे कोई भी अगर आप चीज बेचना चाहते हैं तो एक उसका बायर होना जरूरी है, तभी तो सेल कर पाएंगे। मान लीजिए मेरे पास एक कार है और मैं बोलूं कि मुझे बेचनी है, तो कोई तो बायर होगा तभी तो हम कार बेचेंगे, नहीं तो बेच नहीं पाएंगे कार। वैसे ही यहाँ पर रहता है, उसमें रिस्क नहीं रहता गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, इसलिए बायर इजीली अवेलेबल होता है और इसमें इजीली बोला जाता है देयर इज एन एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विड माना जाता है इसको एकदम से। फॉर दिस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द हाफ ईयरली बेसिस ऑन द फेस वैल्यू, नो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स का बेनिफिट हो जाता है कई लोगों को, है ना, तो वो टैक्स डिडक्टेड नहीं होता है उसमें, जो भी हमारा बेनिफिट है प्रॉफिट है, इसलिए ये भी एक अच्छा पॉइंट है। कैन बी हैल्ड इन डीमैट फॉर्म, डीमैटराइज्ड फॉर्म में वी कैन टेक दिस। नेक्स्ट इज द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, व्हाट आर द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स,
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर डेब्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कॉर्पोरेशन. ठीक, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रहेंगे क्या, कॉर्पोरेट बॉन्ड को कौन इशू कर सकता है, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, दोनों ही प्रकार के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर सकती हैं. ठीक है, कंपनीज इशू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टू रेज मनी फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पसेस सच एज बिल्डिंग अ न्यू प्लांट, परचेसिंग इक्विपमेंट्स, ग्रोइंग इन द बिजनेस. ठीक, जो मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि अगर उसको बैंक से लोन लेना है, या तो कोई भी एक फर्म है, एक बिग फर्म है, उसको कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, वो अपना जो भी प्लांट मशीनरी परचेस करना चाहती है, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है, तो वन वे इज टू गो टू द बैंक एंड रिक्वेस्ट फॉर अ काय के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है, लोन. ठीक, लोन बैंक से भी ले सकती है, या फिर वो क्या एक कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर सकती है मार्केट में, पीपल विल बाय दैट एंड कंपनी विल गेट द मनी. ठीक है, बैन वन बाइज द कॉर्पोरेट बॉन्ड वन लैंड्स मनी टू द इशूअर द कंपनी दैट इज इशू दैट इशूड द बॉन्ड. इन एक्सचेंज द कंपनी प्रोमिसेज टू रिटर्न द मनी ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑन ए स्पेसिफाइड मेच्योरिटी. Until that date, the company usually pays a stated rate of interest, generally semi-annual. Semi-annual is a government securities में semi-annual था, ऐसे ही इसमें भी corporate bonds में भी semi-annually रहता है. Next, ये बहुत ही ज़्यादा important है, इसमें actually अगर हम detail में जाते हैं तो बहुत बड़ा topic खुद बन जाता है interest rate derivatives का. तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो डेट आई विल गेट अ मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स. राइट, सो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हो गया है. क्या है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव? इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द अंडरलाइंग एसेट इज द राइट टू पे और रिसीव अमाउंट ऑफ मनी एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट. तो जनरली हम लोग डेरिवेटिव किस लिए यूज करते हैं? वी यूज द डेरिवेटिव टू हैज द रिस्क, जो भी हमारा रिस्क है. ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाए या बहुत ज्यादा लो हो जाए, तो एक रिस्क बना रहता है इंटरेस्ट रेट का. ठीक है, मान लीजिए अगर फ्लोटिंग रेट पे है और कोई कंपनी ने बैंक से लोन लिया, वो फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन हो सकता है, तो अगर बहुत ज्यादा अप हो जाएगा तो जो कंपनी के प्रोजेक्शंस हैं, फर्म के प्रोजेक्शंस हैं, वो थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए ये हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते हैं टू हैज द रिस्क. या रिस्क तो उससे क्या हो जाता है, जो इंटरेस्ट रेट का जो हमारा रिस्क है वो क्या कर सकते हैं, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक, तो ये चीज हो गई हमारी. तो ये हमें अभी तो क्या इधर इतना ही ध्यान में रखना है कि जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं, दे आर यूज्ड टू हेज द रिस्क एक्सपोजर. सेकंड, वी कैन रेज द कैपिटल आल्सो. ठीक है, जो हमारी कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. जैसे मैंने अभी बताया आपको, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो सकता है फ्यूचर में, तो अगर हमने डेरिवेटिव ले कर रखा है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव हमने ले रखा है अपने उसमें, तब क्या हो जाएगा, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में जो अगर हाई जाने वाला था इंटरेस्ट रेट वो नहीं जाएगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, रिस्क कम होने के कारण हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हम कर सकते हैं, जो हमारा जो भी हम लोग मार्केट को दिखा रहे हैं, अपना एक्सपोजर दिखा रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक अच्छा शो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हैज किए हुए हैं अपने रिस्क को. ठीक है, हम लोगों ने हैज किया हुआ है, तो हम लोग वी कैन गेट द मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक. तो ये चीज हो गई आपकी. ठीक है,